तो पाकिस्तान नंगा था, नंगा है और नंगा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान जो दवाइयों के लिए रो रहा है वो तो हम पे मतलब बंदर घुड़की दिखाता है। आपको पता है सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी डॉक्टर थे, MS MD डॉक्टर, सबको बाहर निकाला गया है और सबकी जो डिग्रियां वो निरस्त करके बोला कि तुम यहाँ नहीं कर सकते काम, ठीक है, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान वो खुजली वाला कुत्ता है जो दर बदर अपनी बीमारी के इलाज के लिए भटक रहा है। आज आप पाकिस्तान के अंदर चले जाएं तो लोगों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, दवाई तो बहुत दूर की बात है। क्या हुआ तुम लोगों को, तुम्हारे मुंह के अंदर बोलते बोलते मुंह के अंदर बवासीर हो गई है क्या? बवासीर की दवाइयां भेजी जाएं यहाँ से, हिंदुस्तान से। आने वाले थोड़े दिनों में देखना वहाँ की जनता, दवाइयां क्या, पानी क्या, इधर अब पानी भी बंद होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, अभी तो बरसात हो रही है, पी ले जितना पीना है, उसके बाद में मुँह मुँह के पियोगे पाकिस्तानियों। नमस्कार दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद जो है पाकिस्तान ने भारत से अपने व्यापार संबंध जो है ख़त्म कर दिए थे और वहाँ की मीडिया है उसने भी इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर चलाया था। कल तक जो पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी देता था, आज वो घुटनों के बल आ गया है, दवाई के लिए मोहताज हो गया है और भारत से मांग कर रहा है कि कम से कम दवाई तो हमें दे दीजिए। इसी सवाल को लेकर जुड़ चुके हैं जनता के बीच, सर क्या कहेंगे? मैं पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगा कि भाई एक बार बताओ, तुमको हमने पैदा कर दिया और तू हमारे में से निकला है, क्या तू जिंदगी भर हमसे मांग मांग के खाता रहेगा और हमको ये आँख दिखाता रहेगा? देख, ये है अखंड भारत, इमरान खान सुन ले, ठीक है, इमरान खान की पूरी जनता सुन ले, हमने आपको 50 बार एक ही बात बोली है कि आतंकवाद छोड़ो, ठीक है, शांति के साथ तुम रहो और शांति के साथ हमको रहने दो। दवाइयाँ क्या, अगर तुम मांगेगा हम तुम्हें अमेरिका भी दे देंगे, ठीक है, अगर तुम मांगे चाइना हम तुम्हें चाइना भी दे देंगे, जो मांगेगा वो देंगे, मगर तू अपना दोगलापन छोड़ दे। और इमरान खान, तुझे एक बार बता किस चीज़ की दवाई खाई? तेरा जो एक वो मंत्री है, क्या नाम था उसका, शेख राशिद, क्या हुआ तुम लोगों को, तुम्हारे मुंह के अंदर बोलते बोलते मुंह के अंदर बवासीर हो गई है क्या? बवासीर की दवाइयां भेजी जाए यहाँ से, हिंदुस्तान से, है? अरे तुम लोग ना तो चैन से रहते हो और ना रहने देते हो, कहाँ है तुम्हारा वो आतंकवादी हाफिज सईद, कहाँ है तुम्हारा वो महमूद अजहर, है? कौन से बिल में छुपा के रखा है तुमने? निकालो उनको और उनको हमारे हवाले करो। दवाइयाँ क्या, जो मांगोगे हम तुम्हारे को लिए बेच करके दे देंगे। आज हमारा भारत एक अखंड भारत है और किसी चीज का मोहताज नहीं है हमारा। हम तुम्हारे जैसे 10 देशों की मदद कर सकते हैं, तुम तो एक जिंदगी भर एक पाकिस्तान इस कदर घटिया हरकत उतरा है, जगह जगह भीख मांग के थक गया, कहीं जब उसको भीख नहीं मिलती किसी से दवाइयां मांगता है, किसी के यहाँ नंगे पैर जाकर के पैसा मांगता है, अरे कोई इसको कुछ देने वाला नहीं है। और हर देश पूरे वर्ल्ड का पाकिस्तान से नफरत करता है और मोदी सरकार ने इसको घुटनों के बल ऐसा लाके बिठा दिया, ना तो ये घर का है और ना ये बाहर का है। आने वाले थोड़े दिनों में देखना वहाँ की जनता, दवाइयाँ क्या, पानी क्या, इधर अब पानी भी बंद होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, अभी तो बरसात हो रही है, पी ले जितना पीना है, उसके बाद में मुँह के पियोगे पाकिस्तानियों। पाकिस्तान का अपना कुछ वजूद है ही नहीं, वो तो दूसरों पे निर्भर है। आज वो हमें आंख दिखाता है और फिर हम ही से क्या नाम है उम्मीद करता है, हमसे किस बात की उम्मीद है? हमारे जब क्या नाम है, हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मना कर दिया है कि हम किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे जब तक आता, कि इसके समझ में नहीं आता, कोई मंत्री कुछ बोलता है, कोई मंत्री बोलता है, इमरान खान कुछ बोल रहा है, समझे? तो इनकी बात का कहीं भी कोई तोड़ नहीं है, ना उनका कोई सेंस है, ना किसी तरह का कोई उनकी बात का क्या जवाब दें। गाँव में एक कहावत है कि आदमी कमजोर आदमी ना ईंट उठाता है, और ईंट वो वाली उठाता है जो गड़ी हुई होती है, उखड़ती नहीं है वो, कि मार दूंगा। तो इसकी यही पोजिशन है जी, अंदर से थका हुआ है, अब बिल्कुल अपने आप को कमजोर हो चुका है ये लोग, अब जी आंखें दिखा के कहता है कि मैं अपनी, अब जैसे कि जो है इसने कहा परमाणु हमला, उन्होंने कही ऐसा ना हो कि सारे देश जो है वो मेरी सपोर्ट में आके कहें कि अरे भाई ये मत करो, हम तुम्हारा समझौता कराते हैं। कोई आया बीच में, किसी को कोई फर्क पड़ा? आप देखो, आप तो जर्नलिस्ट हो, आपको तो सब जानकारी है। तो विषय क्या है कि जब ये इस तरह की धमकी वगैरह देता है तो इसकी धमकी का कोई
कोई संज्ञान ही नहीं लेता। जिस आदमी का कोई संज्ञान ना ले वो आदमी मैं तो समझता हूँ एक पागल की तरह, पागल आता है भगता है चला जाता है बात खत्म हो गई। आइए जाने कितने बच्चे छोटे जो हमारी सुषमा स्वराज थी उन्होंने जो है खुद बीजा लगवा के और उनके ऑपरेशन कराई, बहुत लोग आते हैं यहाँ, पूरी सपोर्ट है, हर तरह का लिहाज है। अब कितना लिहाज करेंगे, आतंकवादी जो आपने बनाया है वो आतंकवादी अब पैदा हो रहे हैं, अब उनको यूज करो आप क्या करोगे उनका, तो यहाँ तो भाई साहब कोई कहीं है वो जो आपने पैदा किया है वही कटोगे आप। अच्छा, पाकिस्तान नंगा था, नंगा है और नंगा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है पाकिस्तान जो दवाइयों के लिए रो रहा है वो तो हम पे मतलब बंदर घुड़की दिखाता है। आपको पता है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी डॉक्टर थे MS MD डॉक्टर सबको बाहर निकाला गया है और सबकी जो डिग्रियां वो निरस्त करके बोला कि तुम यहाँ नहीं कर सकते काम, ठीक है, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया है। दूसरी बात ये परमाणु की धमकी दे रहा है जिस पर खाने की रोटी नहीं है, ठीक है, जिस पर अपना खुद बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, जो 41 लाख का बिल है इसके पास पेंडिंग वो बिल नहीं दिया जा रहा, वो किसी पे परमाणु बम की मतलब कैसे परमाणु बम का अटैक कर सकता है। दूसरी बात जो मीटिंग चल रही है उसमें सारे नमकीन और बिस्किट भी तक खत्म कर दिए गए हैं, वो क्यों कर दिए गए हैं, वो परमाणु बम फेंक सकता किसी के ऊपर, नहीं कर सकता, नंगा है नंगा रहेगा, नंगा ही था पाकिस्तान में तो यही कहूंगा। अच्छा, आपने देखा होगा जितने भी मरीज है ज्यादातर इलाज कराने के लिए भारत में ही आते हैं, पाकिस्तान के पास ना तो डॉक्टर है ना दवाई है, क्या केवल आतंकवादी ही बनाता है, आतंकवाद की मशीन है, आतंकवाद उसके दलाल हैं, आतंकवादों की मशीन है पाकिस्तान। दूसरी बात ये अगर वहाँ की काबिलियत होती तो सऊदी अरब तो उन्हीं के उसका समुदाय का ही वो है देश एक तरह से, वहाँ से क्यों निकाले गए पाकिस्तानी डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कोई रीज़न होगा जब भी तो निकाले गए वहाँ से। हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है कि यहाँ सबके लिए जगह है क्योंकि यहाँ के लोगों में दिल बहुत बड़ा है, यहाँ अगर दिवाली की रौनक देखने को मिलती है, दिवाली मनाई जाती है तो ईद की ईद भी अच्छी तरह से मनाई जाती है, सब शरीक होते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी क्या वहाँ का जो अपना सेना अध्यक्ष है वो आतंकवादी भाषा बोलता है, वहाँ का रक्षा मंत्री है वो आतंकवादी भाषा बोलता है, ठीक है, आतंकवादियों की शरण स्थली है, जो आतंकवादी अगर पूरे विश्व में कहीं भी बनता है अगर उसको कहीं पे भी शरण नहीं मिले, ठीक है, उसको पाकिस्तान के अंदर शरण मिलेगी, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। उदाहरण के नाम हमारा हिंदुस्तान का दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड, जिसको आज पूरा पनाह दे रखा है उसने, यहाँ पे बॉम्बे के अंदर लाखों लोगों का दुश्मन, ठीक है, हजारों आदमियों का कातिल जो बम ब्लास्ट में बॉम्बे के अंदर मारे गए थे, उनको उसने शरणस्थली दे रखी है। पाकिस्तान का नाम बदल करके आतंकिस्तान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, मैं तो ये एक हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप अपने अगर 100-150 आदमी भी भेज करके, एक सैनिक भेज करके, इस पाकिस्तान का नाम अगर पूरे विश्व के अंदर शांति चाहते हो तो भारत इसको विश्व के नक्शे से मिटा देना ही जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये पूरे संसार के लिए पूरे विश्व के लिए नासूर बन जाएगा, ठीक है। और इसने आतंकवादी, इसके जितने आतंकवादी पैदा होते हैं वो सभी के सभी कोई चाइना पहुंच जाता है, कोई बांग्लादेश पहुंच जाता है, कोई अमेरिका पहुंच जाता है, हर विश्व के अंदर जाकर के ये आतंकवादी घटनाएं चाहते हैं। इनका जो मेन रीजन है वो मेन रीजन ये है, ये पूरे विश्व को एक ही कौम देखना चाहते हैं कि सारे का सारा कैसे ही। और सबसे बड़ी बात यह है ये कुछ करे इससे पहले सभी लोगों को जागना है और हिंदू एकता को दिखाना है कि हिंदू के अंदर जितनी एकता हिंदू के अंदर होती है ना उससे कहीं ज़्यादा लानी है। हमारे हिंदुओं के अंदर भी बहुत अधिक लोग गद्दार हैं जो कि कोई अगर सही बात बोलता है तो उसकी टांग खिंचाई करना चालू कर देते हैं और वो गद्दार हिंदुस्तान के लिए नासूर है। अगर पाकिस्तान विश्व के लिए नासूर है तो जो हिंदू हित की बात नहीं करता वो हिंदुस्तान के लिए नासूर है। और ऐसे नासूर का इलाज यही है, उसे अपने अंग पे से जितनी जल्दी काट के हो सके फेंक दो, अगर ये बढ़ गया तो मौत निश्चित है। तो लिहाजा मेरा सभी लोगों से यही कहना है, एक तो ये पाकिस्तानी देश है इसका पूरा विश्व वाइकाट करे, और दूसरी चीज़ है अगर ये आपके पास किसी भी देश के पास कुछ मांगने जाता है तो इसको कुछ भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा खाएगा और तुमको ही आँख दिखाएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल, क्योंकि इस पूरी कौम के अंदर अगर कुछ बसा हुआ है ना, रग रग में खून खून में अगर जो जमा है वो जिहाद गद्दारी और इनके अंदर खून के अंदर जो जितनी भरी हुई है ना वो जिंदगी में चाहे कोई भी ऊपर से अगर खुदा भी आ जाए ना वो भी कहेगा भैया मैंने तुझे क्या बनाया था तू क्या बन गया। सर क्या नाम है?
मेरा नाम शेखर हुआ। अच्छा शेखर जी, ये बताइए, जो पाकिस्तान कल तक बम की धमकी देता था और व्यापार समझौता जो है उसने बंद कर दिया था भारत के साथ में, आज वो पाकिस्तान दवाई के लिए रो रहा है, क्या कहेंगे? क्या रहा है कि भाई दवाई तो भेज दो कम से कम। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि पाकिस्तान के पास तो अपना कुछ है नहीं, वो उसके इतनी गरीबी से झेल रहा है, फिर भी वो इंडिया से युद्ध करने के लिए व्याकुल है। उसके पास खाने के पैसे नहीं है, कुछ करने के कुछ है ही नहीं उसके पास, फिर भी वो इंडिया को धमकी दे रहा है कि इंडिया पर ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने लोग देश के लोग भी हैं उसको भी बेवकूफ़ बना रहा है।